हेलो स्टूडेंट्स दिस इज द पार्ट थ्री ऑफ द चैप्टर सो आई गेस आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका देख लिया होगा सो लिट्स मूव विद द थर्ड पार्ट द सेंचुरी अब नाइनटीन सेंचुरी मतलब अब समझना हम लोगों ने दो प्रकार से पढ़ा था एक प्री मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ा था ठीक है और एक मॉडर्न वर्ल्ड आगे हम लोग देखने वाले हैं तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड के पहले हम लोगों ने समझा कि पहले प्री मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हुआ अब ये भी प्री मॉडर्न वर्ल्ड के ही पार्ट है लेकिन हाँ अभी क्या हुआ था ट्रेड फ्लरिश होने लगा था तो अब मॉडर्नाइजेशन हमको देखने को मिल रहा था तो ये हम लोग पढ़ रहे अब नाइनटीन सेंचुरी के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिली तो अब यहाँ पर पूरा वर्ल्ड नाइनटीन सेंचुरी में चेंज होने लगा चेंज ड्रेस्टिक चेंजेस देखने को मिले क्योंकि अब एक ग्लोबल विलेज जैसा एक सीन हम लोग बोल सकते हैं बनने लगा कि अब बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे से बाय रोड तो कनेक्टेड थी बट अब बाय सीज भी कनेक्टेड होने लगी जो पहले अनअचीवेबल लगता था कि अरे ऐसी कुछ जगह है या बहुत दूर है या ऐसा कुछ अब नहीं रहा अब हमको जो वर्ल्ड है वो भी श्रैंक होने लगा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिली अब जब अपॉर्चुनिटीज़ हम देखने को मिली तो अपॉर्चुनिटीज़ किन किन चीज़ों में देखने को मिली तो सर हमको बहुत सारी चीज़ें देखने चल गुड्स में देखने को मिली ठीक है मतलब गुड्स एंड सर्विसेज मान लो तुम तो गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मिली अच्छा सर वहाँ पर हम लोग जब मुझे गुड्स एंड सर्विसेज में अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो प्रोडक्शन में भी हम लोग को अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी हो सकता है मैं वहीं जाके प्रोडक्शन कर लूँ ठीक है मतलब फॉरेन कंट्री से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो हो ही रहा है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो बहुत सारी कंट्रीज़ हमारे पास बहुत सारे लोग जो, जो दूसरी कंट्रीज के हमारे यहाँ पर भी आके अब क्या करने लग जाएंगे प्रोड्यूस करने लगेंगे और हम भी अब बहुत सारी दूसरी कंट्रीज में जा सकते हैं प्रोडक्शन करने तो हम लोग को प्रोडक्शन में अपॉर्चुनिटी देखने को मिली जब प्रोडक्शन में अपॉर्चुनिटी देखने को मिली तो साथ ही साथ हम लोग को कई में अपॉर्चुनिटी देखने को मिली एम्प्लॉयमेंट में भी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली तो बहुत सारे सेगमेंट्स ऐसे थे जहाँ हमको जनरली अच्छा प्रोडक्शन सिर्फ ऐसा नहीं कि गुड्स एंड सर्विसेज का यहाँ पर हम लोग को एग्रीकल्चरल अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिली तो बहुत सारे सेगमेंट्स हम लोग को मतलब इंडस्ट्रीज प्राइमरी अगर ये हम लोग प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी लिख दूँ तो प्राइमरी सेक्टर और इंडस्ट्रीज के बाद हम लोग सेकेंडरी सेक्टर तो हर सेक्टर में हम लोग को क्या देखने को

डिपेंडेंट होती ही है और इस डिपेंडेंसी के कारण ही क्या हो रहा है ट्रेड फ्लरिश हो रहा है हम लोग का जो ग्लोबल वर्ल्ड का हम जो सपना है देखा जा गया था वो पूरा अचीव हुआ और वो हो भी रहा है तो उन्होंने बताया कि जो इकोनॉमिक ने अलग अलग मूवमेंट्स देखे मतलब ये सीन हम लोगों ने ने समझा अब इकोनॉमिस्ट जो है, उन्होंने कौन कौन से इंटरनेशनल एक्सचेंजेस देखे कि, कि किस तरीके से मनी का मॉनेटरी फ्लो जो हो रहा है वो कंट्रीज के अंदर हो रहा है तो पहला जो फ्लो लोग आइडेंटिफाई करा वो सिंपली उन्होंने गुड्स का बताया ट्रेड इन गुड्स तो उन्होंने बताया कि भाई सबसे ज्यादा जो नाइनटीन सेंचुरी में हुआ ट्रेड इन गुड्स देखने को मिला ठीक है यहाँ पर अब गुड्स हर सर्विसेज के चाहे अब वो मशीनरी से रिलेटेड हो चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हो तो वो बहुत सारी चीज़ें क्लोदिंग से रिलेटेड अलग अलग चीज़ से रिलेटेड क्या होने लगे फूड्स जो है जो चीज़ें हैं गुड्स हैं वो ट्रेवल होने लगे ट्रेड होने लगे सेकेंड चीज़ उन्होंने देखी लेबर का लेबर का जैसे मैं बताया था एम्प्लॉयमेंट के लिए एक हमारे पास सर्विसेज सर्विस हम लोगों ने देखा कि यहां पर बहुत सारे रहे हैं जिसमें फूड ले लिया क्लॉथिंग ले लिया तो जैसे बहुत सारी चीज अब ट्रेड हो रही है दूसरी चीज देखने को क्या मिली इन टर्म्स ऑफ लेबर लेबर के तौर पे कैसे अब लोग भी क्या होने लगे

वहाँ पर यूएस में चले गए तो वहां पर कंपनी में जॉब करने लगे सेम ऐसे अभी हम लोगों ने रिसेंटली ट्विटर के सीईओ जो चेंज हुए तो ट्विटर के सीईओ की जब बात करी तो क्या हो रहा है हम लोग गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं ठीक है दूसरे तो पराग अग्रवाल जो है तो अब क्या हो रहा है हमको जब अच्छी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं हम लोग जब फॉरिन कंट्रीज में जा रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अब लोग क्या हो रहे हैं ट्रेवल हो रहे हैं आगे बात करते हैं और जो थर्ड मूवमेंट है वो में दिख रहा है हम लोग को इन्वेस्टमेंट के पार्ट पे दिख रहा है कि थर्ड मूवमेंट इज इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों बोला मेरी बात समझना भाई मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं मेरी बात समझना मैं गुड्स एंड सर्विस वहां से ला रहा हूँ फिर यहां कर रहा हूँ वहां ला रहा यहाँ ला रहा हूं। इससे अच्छा मैं बच्ची जगह दिमाग लगाने से क्या सोचूंगा भाई प्रोडक्शन ही कर लू ना अगर मैं मान लो मैं, मैं ट्रेडर ठीक है मैं किसी से खरीद रहा हूँ वो जो प्रोड्यूस कर रहा है उसे खरीद रहा हूँ फिर आगे किसी को बेच रहा हूँ और इसमें सिर्फ मुझे मार्जिन या कमीशन मिल रहा है तो मैं क्या सोचूंगा यार सारा मेजर मार्जिन तो वो ही ले जाता है तो मैं प्रोडक्शन क्यों ना कर लू उस कंट्री में जाकर तो अब क्या होने लगा कि लॉन्ग डिस्टेंसेज के कारण वहां पर फायदा क्या देखने को मिल रहा है कि लोगों ने वहां पर ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट हुआ और इन्वेस्टमेंट के लिए इसीलिए तो अभी रिसेंटली इंडिया एक बहुत हम लोग जब तुम लोग सुनते हैं वो कि भाई इंडिया में एफ बहुत बढ़ रहा है ठीक है अब एक इंडिया इकोनॉमिक हब बन रहा है तो क्यों इंडिया एक फेवरेबल डेस्टिनेशन क्यों बनती जा रही है क्योंकि वी हैव दैट पोटेंशियल तो ऐसे ही क्या हो रहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए अब क्या हो रहा है कंट्रीज प्रेफर की जा रही कैपिटल का दोनों तो थर्ड पॉइंट बताया कि मूवमेंट ऑफ कैपिटल होने लगा ठीक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखने को मिले जैसे यूएस की कंपनीज कोक पैप्सी बोलने नाम आराम से सुना है को, कोकोकला पेप्सी यूएस की कंपनीज है ये वर्ल्ड के अंदर जा रही है अलग अलग जगह स्विट्जरलैंड की नेस्ले साउथ कोरिया की यूंडाई बहुत पॉपुलरली हम लोगों ने देखा है यूंडाई की कार्स होती है तो क्या हो रहा है ये अब अपना जि भाई जितनी भी कार्स है अभी यूडाई की सारी कोरिया से तो नहीं आ रही ना इंडिया के अंदर यहीं पर मैनुफैक्चर होती है यहीं पर उसकी सर्विसेज होती है तो क्या हुआ यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्ट करा यहाँ इन्वेस्ट करने से फायदा क्या मिल रहा है कि यहीं से उनका कैपिटल क्रिएट हो रहा है यहीं प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हैं और कैपिटल का मूवमेंट भी इजीली हो रहा है तो इस कारण से क्या बताया कि ये तीसरा फ्लो भी हम लोगों को देखने को मिला और उन्होंने बताया कि तीनों जो फ्लोज हैं जो इकोनॉमिस्ट जिन लोगों ने पूरी रिसर्च करी इस पूरे पार्ट पे देखा तो उन्होंने बताया कि ये तीनों फ्लोज एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरवूवेंट मतलब बहुत ज्यादा टाइटली कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने के साथ साथ ही लोग जो हैं वो भी इसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है उनकी लाइफ भी इस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है तो ये पार्ट हम लोग को नाइनटीन सेंचुरी के अंदर ट्रेड से रिलेटेड बताया ठीक है ना से ब्लू स्लाइट के आगे बढ़ते हैं दी अच्छा अगला टॉपिक इज दी वर्ल्ड इकोनॉमी ने कैसे शेप लिया वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे लगा, अब world economy कैसे बनी तो एक चीज समझना कि जब पॉपुलेशन ग्रो होने लगी धीरे धीरे क्या हो गया ऑब्वियस बात है पॉपुलेशन ग्रो होने लगेगी तो जब पॉपुलेशन ग्रो होगी तो वो क्या करेंगे फूड की डिमांड करेंगे भाई सिंपल सी बात है ना मेरी पॉपुलेशन मेरी जगह भाई मेरे घर के अंदर अभी तीन लोग रहते हैं ठीक है मान लो तो हम लोग कम खाना खाएंगे ठीक है अब यही अगर तीन से चार हो गए तो थोड़ा फूड बढ़ेगा गया पाँच हो गए आठ हो गए तो जैसे जैसे हमारे घर के लोग बढ़ते जाएंगे हम लोग क्या करेंगे फूड की अब रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी ना सेम ऐसे ही बताया कि जैसे जैसे कंट्री में पॉपुलेशन की ग्रो हो रही, ग्रोथ हो रही रही ग्रोथ थी तो अब क्या हुआ वहां पर फूड ग्रेन्स की कहां की बात करें यूरोप ब्रिटेन की डिमांड बढ़ने लग गई अब जब फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी तो इन्होंने क्या ढूंढा भाई इनके पास एक ही प्लेस की भाई जो अभी हम लोग डिस्कस करके आए थे कि अमेरिका के अंदर इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी तो इन्होंने सोचा क्या कि अमेरिका से हम लोग क्या करते हैं वहां से हमारे फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेंगे तो ये चीज अब देखो समझना है कि क्या बताया एज अर्बन सेंटर्स एक्सपांडेड एंड द इंडस्ट्री ग्रू डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वेंट अप

एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे वो लोग भी अब क्या हो गया बहुत सारे लोग अब इंडस्ट्रीज के अंदर इन टर्म्स ऑफ जॉब्स स्विच करने लगे अब चूंकि इंडस्ट्री के अंदर उन लोगों ने जॉब स्विच कर ली तो अब ये वाला जो सेगमेंट था एग्रीकल्चर पे जो पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी जो एग्रीकल्चर एज अ मेजर एक्टिविटी करती थी वो कम हो गए अब समझ रहे कितनी खतरनाक सिचुएशन फूड की डिमांड बढ़ रही है लेकिन जो फूड के प्रोड्यूसर्स है वो कम हो रहे है तो फूड की सप्लाई क्या हो गई हो जाएगी कम हो जाएगी तो ऐसा पार्ट समझना कि फूड की थोड़ी सी शॉर्टेज हुई और फूड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई जिसके कारण क्या हो गया वहां पर जो प्राइजेस थे फूड ग्रीन के वो बहुत बुरी तरीके से बढ़ने लगे तो प्राइजेस बुरी करने के कारण क्या हो गया अंडर द प्रेशर ऑफ द देंडेड ग्रुप गवर्नमेंट ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ कॉन थ्रू कॉन लॉस एक चीज और अब क्या हुआ कि फूड की प्राइजेज भी बढ़ गई और इस प्राइजेस का फायदा कौन उठाना चाहता था जब इसका फायदा तो जो हम लोग क्या बात करते हैं जो इनलैंड पीपल्स है जो वहां पर जिन लैंड अथॉर जैसे हम लोग जमींदार जो हमारे इसमें बोलते हैं तो वहाँ पर जो लोग जमीन थी जो लोग एग्रीकल्चर करते थे तो उनको बेनिफिट देखने को मिला तो उन्होंने क्या करा अब उन्होंने बोला कि आप जो फॉरेन से इनका क्या मोटिव था कि भाई फॉरेन कंट्री से हमारे पास फूड आ जाएगा तो उससे हम हमारी फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे और हम हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट कर लेते हैं तो ये नुकसान किसको देखने को वाला जो बेचारे जो वहाँ पर खुद खेती करते थे क्योंकि अब उनका जब यहाँ पर मक्का उनका बढ़ रहा है जब यहाँ पर उनकी खेती ज़्यादा फायदे मिल रही है जो कौन यहाँ पर ज्यादा बढ़ रहा है तो उस कॉर्नर से ज्यादा पैसा कमाएंगे बट और उसी के लिए उन्होंने क्या करा कॉन लॉज इंप्लीमेंट करवाए गवर्नमेंट से सब लोग जाके कि भैया आप कॉन लॉज इंप्लीमेंट करो और हमको क्या करो आप फॉरेन कंट्री से अब कॉन को इंपोर्ट करना बंद करो ताकि हम ज्यादा पैसा कमाए अनहैप्पी विद दी हाई फूड प्राइजेस जो इंडस्ट्रीज अब अब हाई फूड प्राइजेस से ये कैसे अनहैप्पी होंगे बिकॉज अब जब जा, जैसे उसकी प्राइस बढ़ी तो लोग क्या थे? जो ऑब्वियसली आता है एग्रीकल्चर से दूसरे इंडस्ट्रीज में शिफ्ट हो ना तो वापस धीरे धीरे वो क्या होने लग गए थे एग्रीकल्चर में शिफ्ट होने लग गए अब अगर ये लोग एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो जाएंगे इनके इंप्लोईस, जब नहीं नहीं लेबर्स नहीं है तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे तो इन्होंने क्या करा वापस फोर्स करा कि आप ये क्या करो जो कौन बिल कॉन लॉ आप लेकर आए हो उसको खत्म करो उसको अबोलिश करो क्योंकि अगर ये अबोलिश हो जाएगा तो क्या होगा ऑब्वियसली सप्लाई समझना अभी जहां पर फूड की शॉर्टेज थी फूड की शॉर्टेज थी और इसी कारण और फूड की शॉर्टेज के साथ ही साथ क्या हो रहा था वहाँ पर डिमांड ऑफ फूड इज़ इंक्रीजिंग ठीक है डिमांड ऑफ फूड इज़ इंक्रीजिंग अब फूड की शॉर्टेज है और फूड फूड की ही शॉर्टेज और फूड की डिमांड बढ़ रही तो इस कारण से क्या होने लगे वहाँ पर प्राइजेज जो थे वो बढ़ने लगे और इसका बेनिफिट दिख रहा था हम लोग को सामने समझ में आया पर इससे कौन अनहैप्पी होगा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अनहैप्पी क्यों क्योंकि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वापस वहाँ चले गए तो उन्होंने क्या करा कि ये फूड शॉर्टेज को ख़त्म करने के लिए वो तो किसान ही चाहेंगे कि बनी रहे फॉरेन से नहीं आए सप्लाई क्योंकि अगर यहाँ पर सप्लाई बढ़ जाती है फूड की सप्लाई अगर नॉर्मली बढ़ जाती है तो डिमांड भी बढ़ रही है और फूड के सप्लाई भी बढ़ी बढ़ी रही तो अब इतना प्रॉब्लम नहीं ना तो अब तो डिमांड और सप्लाई इक्वल हो चुके हैं अगर हम लोग कॉमनली समझे तो जो डिमांड जो लोग कर रहे हैं जितने फूड की रिक्वायरमेंट हो रही है उतना फूड हम लोग को मिल रहा है तो उसके कारण प्राइस क्या हो जाएंगे वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो होने के कारण क्या जो लोग सोच रहे थे वो लोग यहां पे, पे शिफ्ट हो जाएंगे इंडस्ट्रीज पे शिफ्ट हो जाएंगे और उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाएगा तो इंडस्ट्रियलिस्ट को उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा तो ये चीज उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान में रखी क्योंकि इसी के लिए उन्होंने क्या था कॉर्न लॉ लेकर आए थे ठीक है और पहले कौन इसके फेवर में थे भाई जो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये लोग क्या कर रहे थे कॉर्न लॉ के फेवर में थे और अब कॉर्न लॉ के कारण इंडस्ट्रियलिस्ट इसके अगेंस्ट हो गए कि भाई इसको हटाओ क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो हमारे यहाँ से लोग चले जाएंगे और इन्होंने क्या करा इसको अबॉलिश करवा के वापस वही सिचुएशन हो गए और जबकि अगर ये होने लगा तो अब क्या होगा अबंडेंट क्वांटिटी में यूएसए से बाहर से अमेरिका नॉर्मली हम समझे अमेरिका से हमारे पास क्या होने लगा और भी दूसरे-दूसरे ऑफ़ दूसरे तो बताया कि चीप उनको इतना सस्ता मिल गया कि वो खुद की कंट्री में प्रोड्यूस करें तो उससे भी सस्ता उनको बाहर से मंगा के पड़ने लग गया ठीक है इतना चीप तो लोग ऑब्वियस ऑब्बियस बातें कायम में चले जाएंगे वापस इंडस्ट्रीज के अंदर चले जाएंगे तो ये चीज इन्होंने यही चीज यहाँ पर देखने को मिली नाउ वास्ट एरिया ऑफ लैंड वर लेफ्ट नाउ लेफ्ट अनकल्टीवेटेड थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन वर थ्रोन आउट ऑफ वर्क एग्रीकल्चर से जो लोग डिपेंडेंट थे उन वहां पर अब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था तो वो क्या करेंगे जो एग्रीकल्चर करें। उनको भी भगाया और अब जब वो गए तो वो कहां पर कहा नौकरी करने जाएंगे इंडस्ट्रीज के अंदर तो बेनिफिट अब किसको मिलेगा इंडस्ट्रीज पे जो डिपेंडेंट लोग हैं जो मतलब इंडस्ट्रियलाइजर्स हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा तो वहां पर उनका फायदा हुआ तो इस तरीके से क्या हुआ कौन को पहले लाया गया अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया लैंडर्ड एंड फूड प्रोडक्शन एक्सपैंडेड टू मीट ब्रिटिश डिमांड अब क्या हुआ साथ ही साथ जो दूसरे पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड थे वहां पर क्या होने लगा वहां का लैंड अब क्लियर करने लगे और वहां 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 के के क्लियर करने साथ पर 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 क्या हो गया एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन प्रोडक्शन होने लगा अब एग्रीकल्चर क्यों हुआ क्योंकि फूड की डिमांड अब कहा बढ़ रही थी यूरोप के अंदर हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि फूड की डिमांड तो वहां पर बढ़ रही तो ब्रिटेन के अंदर जो फूड की डिमांड बढ़ रही है उसको मीटअप करने के लिए उन्होंने क्या करा बाहर की जितने भी दूसरी कंट्रीज है वहां से फूड वो लोग मंगाने लगे तो ये चीज उन्होंने बताई कि वहां पर वो चीज क्लियर हो गए इसके साथ ही जब वहाँ पर इंडस्ट वहाँ पर जब फूड का प्रोडक्शन हो रहा है फूड ग्रेन्स वहाँ पर बढ़ रहे तो उसको लाना भी पड़ेगा तो एक पार्ट अभी हम लोग देखेंगे कि भाई बड़े बड़े ट्रकों के अंदर इनलैंड ट्रांजैक्शन हो रहा है और बड़े बड़े शिप्स के अब इनलैंड तो अब तुम ट्रक्स के कर लोगे लेकिन बाहर से दूसरी कंट्री ऑस्ट्रेलिया से मेरे को ब्रिटेन लाना है तो ओबीसी बाय बाय सी रूट ही लाऊंगा तो बाय सी रूट के लिए नए नए हार्बर्स क्रिएट करे गए ठीक है नए नए पोर्ट्स बनाए गए उनको जो ओल्ड जो पुराने वाले थे ओल्ड हार्बर्स थे या ओल्ड पोर्ट्स थे उन लोगों को भी रिपेयर वगैरह करा गया कि नहीं अब हमारे पास अच्छे से एक्सपोनेंशियली हम लोग को ट्रेड देखने को मिलेगी तो इन्होंने क्या बताया कि पुराने जो थे उनको हटाए और नए इम्पोर्ट्स करे गए इसके साथ साथ क्या करा पूरी जो आ, कंट्री थी उसको रेलवे के साथ पोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया रेलवे के साथ पोर्ट को कनेक्ट करने से फायदा क्या मिला कि जो पहले धीरे 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 पोर्ट से लेके कंट्री के अंदर तक माल जाता था अब वो क्या होने लगा और फास्ट पेस से जाने लगा फास्ट पेस से क्योंकि ट्रेन के थ्रू आने लगी ट्रेन के थ्रू आने लगी तो बहुत जल्दी स्पीडली उनको क्या देखने को मिला एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पूरी विदन दी कंट्री सप्लाई होने लगा तो इसी कारण भी उनको बहुत फायदा देखने को मिला और इसके साथ साथ क्या हुआ कैपिटल का भी फ्लो हुआ कैपिटल का भी फ्लो जैसे जो वहां पर हम लोग जो हम लोग मेट्रोपोलिटिन सिटीज होती है वहां पर भी हम लोगों ने क्या देखने को मिला कि कैपिटल का फ्लो होने लगा जैसे लंडन की बात कर रहे हैं हम लोग वहां पर कैपिटल का लेबर का जब ये फ्लो होने लगा तो यहाँ पर भी क्या होने लगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिला ठीक है तो इस तरीके से इकोनॉमी वहां पर शेप ले रही है कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग ब्रिटेन की भी बात कर रहे हैं द डिमांड फॉर लेबर

सॉरी uh, अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि जब डिमा लेबर की डिमांड बढ़ती जा रही है और कहाँ से, से प्रॉब्लम देख रहे हैं उन्होंने बताया है कि ऐसी प्लेसेस जहाँ पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर लेबर का शॉर्टेज है वहाँ से जब लोग क्या कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा माइग्रेट हो रहे हैं तो उन्होंने बताया कि नियरली फिफ्टी मिलियन पीपल एमिग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इन दाइनटीन सेंचुरी अब सॉरी 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 मैंने उल्टा बोल दिया कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ठीक है डिमांड ऑफ लेबर इन प्लेसेस वेयर लेबर वेबर शॉर्ट सप्लाई एज इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया लेड टू मोर माइग्रेशन वहां पर जहां पर लेबर सप्लाई कम थी वहां पर लोग ज्यादा जाने लगे तो इसी तरीके से 50 मिलियन लोग यूरोप से कहां पर चले गए अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया नाइनटीन सेंचुरी के अंदर पहुंच गए तो ये एक वहां पर चीज जिसके कारण क्या हुआ अब वहां पर भी ट्रेड देखने को मिला वहां पर भी लोग आने लगे वहां का भी डेवलपमेंट हुआ दस बायटी नाइन्टीज एक ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी टेक अ न्यू शेप शेप एक प्रॉपर देखने को मिला और अब क्या हो गया ग्लोबल इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर के तौर पे तो हर जगह देखने लगी फूड इज नो लॉन्गर केम फ्रॉम नियर बाय विलेज और टाउन बट फ्रॉम थाउजेंड माइल्स अवे अब बड़ी बड़ी दूर जैसे बता रहे ना बड़े दूर से भी हमारे पास क्या हो रहा है फूड ट्रैवल होकर आ रहा है जिसके कारण जो ग्लोबल विलेज का सपना था जो समझ रहे थे कि जहाँ पर लेबर की डेफिशिएंसी है वहाँ पर लेबर चला जा रहा है जहाँ कैपिटल की डेफिशिएंसी है वहाँ कैपिटल मूव होता जा रहा है तो इससे क्या होता जा रहा है कि हर कंट्री जैसे हम बता रहे थोड़ा ना कि हर कंट्री एक दूसरे पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है तो इस तरीके से कंट्रीज भी एक दूसरे से जो उनकी डिपेंडेंस थी वो शो कर रही थी और पीपल भी अब डेवलप हो रहे थे और साथ साथ नेशंस भी डेवलप होने लगे और यही चीज़ उन्होंने बताया कि हमारे स्केल पर इंडिया के अंदर भी छोटे स्केल पर पंजाब के आसपास हम लोग को देखने को मिला वहाँ पर भी कैनल कॉलोनीज देखने को बनी जो जिसके जहां पर इरिगेशन के लिए क्या देखने को मिले कैनल्स बनने लगे और इन कैनल्स के थ्रू क्या हो गया प्रॉपर इरिगेशन देखने को मिला और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कॉटन के साथ भी मतलब अभी तो हम फूड की बात कर रहे हैं फूड के साथ कॉटन हो गया ठीक है और भी जो दूसरी चीजें होती है कॉटन के साथ जैसे कोल हो गया मिनरल्स जो डिफरेंट मिनरल्स हैं तो उनका भी क्या हो गया हम लोग को कॉमन वर्ल्ड के अंदर ट्रेड देखने को मिल रहा है तो सिमिलर स्टोरी कैन बी टोल्ड फॉर कॉटन बिटवीन 1820 एंड 1914 वर्ल्ड ट्रेड इज एस्टिमेटेड टू हैव मल्टीप्लाइड 25 टू 40 टाइम्स सोचो so, 25 से 40 गुना ये क्या हो गया इतना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ इसका ट्रेड ठीक है कॉटन का तो so, ये चीज हम लोग देखें और जो ट्रेड था वो 60% नियरली 60% ऑफ द ट्रेड इस कंप्राइज़ विद वीट एंड कॉटन एंड मिनरल सच इज कोल तो वहाँ पर जनरली हम लोग को वीट कॉटन और जो कोल जैसे मिनरल्स थे उनके बीच में हम लोग को कॉमनली ट्रेड देखने को मिलता था सो दट इट फॉर दिस वीडियो